अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू द लाहौर गैरिसन स्कूल जूनियर एंड सीनियर विंग। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। जी नाइन्थ क्लास, नाइन्थ। आज आपका चैप्टर नंबर 3 और उसका हमने पेज नंबर 18, पेज नंबर 19 पे आपका टॉपिक है बचपन, यानी कि चाइल्डहुड। उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि बचपन के बारे में क्या क्या उसके दौर जो हमने उसके पहलू पढ़े हैं, हर लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से बच्चा कैसा होता है, वह मौशरती लिहाज से कैसा होता है, लिसानी लिहाज से कैसा होता है, जहनी लिहाज से कैसा होता है, जज्बाती लिहाज से कैसा होता है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। जी बचपन, बचपन ये दौर 6 साल की उम्र से लेकर 9 बलोगत तक जारी रहता है। 9 बलोगत का मतलब है इनके 13 से 18 साल तक की, इनके जो बच्चे की यंग एज होती है, उसके जो बालक होने तक की जो एज होती है, उसे जो है ना 9 बलोगत कहा जाता है। इसमें इनके आपके 6 साल से, आपने पिछला टॉपिक पढ़ा था वो आपका था 2 से 6 साल तक, ये 6 साल के बच्चे का शुरू होता है। 6 साल के बच्चे से लेकर जब तक बच्चा बालक नहीं हो जाता, ये वो वाली एज आ जाती है, ठीक है, वो बचपन ही कहलाता है। जब बालक हो जाता है तो फिर वो अगला दौर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये दौर जो है, इसमें बच्चा जो है 6 साल, ये दौर 6 साल की उम्र से 9 बलोगत तक जारी रहता है। अब इसके अंदर इनके हर जो हमने पहलू पहले भी पढ़े थे उसके बारे में देखेंगे कि जिस्मानी लिहाज से इसमें कौन सी चेंजिंग्स आती हैं, यानी कि बच्चा 6 साल का बच्चा इनका कोई ना कोई नया काम करना शुरू कर देता है, कोई हर काम आसानी से कर लेता है, और जोर जोर लगाने वाले काम उससे नहीं होते, लेकिन 6 साल की एज में आपको पता नहीं होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसकी एज ज़्यादा होती जाती है वो इजीली काम कर लेता है, यानी कि हैवी काम भी वो आराम से कर लेता है। इस एज में जो होता है बच्चे, वो एक पाँव से रस्सी कूदना सीख जाता है, फिर उसके बाद आरी चलाना सीख लेता है, ब्रश कर सकते हैं, पेंसिल कर पकड़ कर लिख सकते हैं, कैंची चला सकते हैं, तोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके इस तरह के सारे काम जो है ना बच्चा इस एज में कर सकता है। इनके आपने देखा होगा कि अक्सर ही बच्चे को अगर कोई गाड़ी ला के दे दी जाए तो वो गाड़ी को खोल के बैठ जाता है, उसके सारे नट वगैरह सारी चीज़ें वो खोल के, उसे खोल के देखता है, उसको सीखने की कोशिश होती है उसकी कि इसके अंदर क्या चीज़ है, मैं इसे देखूँ। तो इस एज में बच्चा जो है ना सीखता है, उसके जिस्मानी लिहाज से भी वो ताकतवर हो जाता है, वो हर काम को आसानी से कर लेता है, ठीक है, इनका हर अपना काम खुद ही कर सकता है। उसके बाद बच्चा बचपन जो है, बचपन और माशरती नशरुमा, बच्चे का बचपन और माशरती नशरुमा, इनके बचपन में उसकी माशरती नशरुमा क्या कैसी होती है। अब इस एज में क्या आता है कि बच्चा, आपने देखा होगा कि बच्चे जो है इस एज में ज़्यादा अपने ग्रुप फेलोज जो होते हैं उनके साथ, जो उनके एज फेलो होते हैं, बाहर जाके खेलना पसंद करते हैं, या कोई गेस्ट आ जाए तो वो उनका एक अलग ही ग्रुप बना होता है, वो उसमें काम करना पसंद करते हैं, लोगों के साथ मिलना पसंद करते हैं, वो एक ग्रोह की सूरत में एक ग्रुप बना लेते हैं और उस सूरत में खेलते हैं, उस सूरत में अपना काम करते हैं। और इस तरह इस एज का जो बच्चा होता है ना, वो अपने आप घर में जो है ना अपनी मलकियत जताता है, इनका मालिक होता है, कि अपना ऑर्डर देता है, उसकी हर बात इस एज में मानी जाती है, माँ बाप से वो प्यारा मोहब्बत चाह रहा होता है। अगर इस एज में बच्चे को माँ बाप की तरफ से प्यारा मोहब्बत ना मिले तो बच्चा माँ बाप से दूर होता जाता है, तो उसके जहन में वो बात बैठ जाती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे टाइम नहीं दिया। तो हमें भी चाहिए कि माँ बाप को भी चाहिए अपनी औलाद को टाइम दे, और औलाद को भी चाहिए अपने माँ बाप को टाइम दे, ठीक है। उसके बाद बचपन और जहनी नशोनुमा, जहनी नशोनुमा में क्या होता है बचपन इस एज के बच्चों के लिए, इस एज का बच्चा जो है आराम से पढ़ लिख सकता है, इनके उसको वर्ड पढ़ने आ जाते हैं, उसको मैथ करना आ जाता है, प्लस माइनस के क्वेश्चंस करने आ जाते हैं, फिर उसके बाद उसको टाइम देखना आ जाता है, फिर वो चीज़ों पर ज़्यादा देर तक तवज्जा कर सकता है, उसको चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकता है, एक वो प्लान बना सकता है कि मैंने सबसे पहले ये करना है। इनके बच्चे के इस एज में पेपर होते हैं तो वो पहले प्लान करता है, मैंने अभी उठूंगा, मैं इतने बजे ये करूँगा, मैं ये काम करूँगा, वो एक पूरा अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। इस एज में बच्चे को ईजिली वो चीज़ों को जो है कैरी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है जज्बाती नशोनुमा, बचपन और जज्बाती नशोनुमा, जज्बाती नशोनुमा कैसे होती है इस एज के बच्चों में, इनके 6 साल से लेकर बालग होने तक की एज में जज्बाती नशोनुमा कैसे होती है। उम्र के इस दौर में बच्चे में हुस्न ज़ियाफ़त पैदा होती है, वो दुरुस्त और गलत के पहचान करता है, बच्चा अपने अंदर असूलों का एहतराम पैदा कर लेता है, यानी कि इस एज में बच्चे को पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, मैंने किससे किस तरीके से बात करनी है,
इस एज में वो काफी ज्यादा हसास होता है, वो दूसरों के फीलिंग्स के जो है ना केयर करता है, दूसरों के जज्बात का एहसास करता है, चीजों पर अपने मलकियत को जताता है, लेकिन अगर कोई उसे बात समझाई जा रही हो तो वो उसको भी समझ लेता है। इस एज में वो गुस्सा नहीं करता, वो आराम से बात को सुनता है और उसको समझ जाता है कि मुझे किस वजह से समझा रहे हैं, ठीक है, और वो इस बात पे अमल भी करता है। लास्ट आपका है बचपन और जज्बाती नशोनुमा, बचपन और लिसानी नशोनुमा, लिसानी यानी कि जुबान से रिलेटेड, बचपन और लिसानी नशोनुमा जुबान से रिलेटेड। जुबान में जैसे जैसे आपको पता है छोटा बच्चा होता है वो प्रॉपर, वो जाहिर सी बात है वो तो नहीं बोल सकता, फिर उसका टाइम जैसे जैसे वो ग्रो करना शुरू होता है तो पहला वो वर्ड मामा बोलता है या बाबा बोलता है, आहिस्ता आहिस्ता वो इनके वर्ड्स बोलना शुरू करता है, और इस एज में आके बच्चा प्रॉपर वर्ड्स बोलने शुरू कर देता है, प्रॉपर जुमले बोलना शुरू कर देता है, और बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं इस एज में बच्चे। अगर आपके भी छोटे बहन भाई होंगे आप उनकी बातों से भी बड़े खुश होते होंगे कि कितनी प्यारी बात कर रहा है, कितने मजे की बात कर रहा है, हम बड़े मजे से बच्चों की बैठ के बातें सुनते हैं। तो वो जो है एक दूसरे इनके जो दूसरों की बातों को गौर से सुनते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना उनका राय भी देते हैं कि जो है हम आपको ये हम तो ऐसे कह रहे हैं आप देखें, यानी कि वो बात पहले गौर से सुनेंगे इस एज पे और फिर अपनी बात करेंगे। तो ये चीजें होती हैं, उन्हें सही और गलत की पहचान होती है, हमने कहाँ बोलना और कहाँ नहीं बोलना। तो ये आपका आज का टॉपिक था, आई होप आपको बचपन वाले टॉपिक की समझ आ गई होगी। अब आपने इसे याद करना है और फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे।